हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल फ्रेंड्स। मैंने लास्ट वीडियो में आपको यूज ऑफ विल, वुड, शैल और शुड के इस्तेमाल के बारे में समझाया था। आज मैं आपको सिखाऊंगा यूज ऑफ कैन, कुड, मे और माइट। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज ऑफ कैन, कैन का प्रयोग कब किया जाता है? टू एक्सप्रेस एबिलिटी, परमिशन और पॉसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डांस, परमिशन यू कैन गो नाउ, और पॉसिबिलिटी एनीबडी कैन डांस। एबिलिटी मीन्स योग्यता, कैपेसिटी। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन डांस, यू कैन डू इट। इस तरह के वाक्यों में सकता है जब लास्ट में आए, क्योंकि सकता है एबिलिटी को शो करता है। परमिशन के लिए फॉर एग्जाम्पल, यू कैन गो नाउ, यू आर परमिटेड टू गो। एंड पॉसिबिलिटी, एनीबडी कैन डांस। यहां पर थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी है, लेकिन थियोरिटिकल सैद्धांतिक संभावना, क्योंकि यूज ऑफ मे भी संभावना के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं और वैसे पॉसिबिलिटी के लिए हम मे का प्रयोग करते हैं। अब हम बात करते हैं यूज ऑफ कुड। कुड का प्रयोग एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट को एक्सप्रेस करने के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई कुड स्विम वेल व्हेन आई वॉज यंग, परमिशन आई कुड गो आउट व्हेनेवर आई वॉन्टेड, पॉसिबिलिटी वी कुड बाई दैट हाउस इफ वी हैड मनी। और लास्ट, पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम। इन सभी का प्रयोग किया जाता है जब आपकी मेन फॉर्म, मेन वर्ब की फॉर्म जब पास्ट में हो, तब इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे कि पास्ट की एबिलिटी, आई कुड स्विम वेल, मैं अच्छे से तैर सकता था, व्हेन आई वॉज यंग, जब मैं युवा था, पास्ट के बारे में। आई कुड गो आउट व्हेन एवर आई वॉन्टेड, ये सेंटेंस मेरी शादी से पहले का है कि जब मैं बाहर जाना चाहता मैं जा सकता था। लेकिन अब आगे समझे, वी कुड बाई दैट हाउस इफ वी हैड मनी, हम अगर हमारे पास पैसे होते तो हम वो घर खरीद सकते थे, पॉसिबिलिटी। और पोलाइट रिक्वेस्ट, कुड यू प्लीज टेल मी द टाइम, कि क्या आप टाइम बताएंगे, इसमें आपकी पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसमें एक और बात है, जब आपकी फॉर्मल रिक्वेस्ट हो वहां पर कुड का प्रयोग किया जाता है, अदरवाइज वुड इज ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस पोलाइट रिक्वेस्ट। इन दोनों को याद करने का एक तरीका है ए डबल पी। कैन के इस्तेमाल के लिए एंड्रॉइड ने एक ऐप बनाई यूट्यूब, जिसके माध्यम से आप कैन का इस्तेमाल सीख सकते हैं। ए फॉर एबिलिटी, पी फॉर परमिशन और पी फॉर पॉसिबिलिटी।
इन द सेम मैनर आप इनको कुड के इस्तेमाल को भी आप सीख सकते हैं, ए ट्रिपल पी या फिर पी ए पी ए पी पी पी, आप अपने ढंग से इसको मोल्ड कर सकते हैं। एबिलिटी, परमिशन, पॉसिबिलिटी और पोलाइट रिक्वेस्ट। अब हम सीखते हैं यूज ऑफ मे। May be used, may is used to express permission, purpose, wish or possibility. For example, may I come in sir, permission, purpose, we eat so that we may live, wish, may you live long, sign of exclamation, or possibility, it may rain today. परमिशन के लिए मे आई कम इन सर, इससे पहले मैंने कैन के यूज में भी आपको परमिशन के बारे में बताया था, लेकिन जब फॉर्मल वे में परमिशन का इस्तेमाल हो तो हम मे का इस्तेमाल करते हैं, और इनफॉर्मल वे के लिए कैन का इस्तेमाल किया जाता है। पर्पस, वी ईट सो दैट वी मे लिव, पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए विश, यानी कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में, विश से आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस भी ध्यान रखें कि मे यू लिव लॉन्ग, भगवान करे तुम्हारी लंबी उम्र हो, और इट मे रेन टुडे पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना के लिए मे का प्रयोग किया जाता है। इसको याद रखें, ट्रिपल पी आर इम्पोर्टेंट, मतलब परमिशन, पॉसिबिलिटी, पर्पस और आई एम पी मतलब इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में। और लास्ट यूज है आपका यूज ऑफ माइट। माइट का इस्तेमाल लेस पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्काई इज क्लियर, इट माइट रेन टुडे। परमिशन, माइट आई यूज योर फोन। स्लाइट पॉसिबिलिटी या फिर लेस पॉसिबिलिटी, जहां पर संभावना कम हो, जैसे कि द स्काई इज क्लियर, आसमान साफ है, इट माइट रेन टुडे, देयर इज लेस पॉसिबिलिटी ऑफ रेनिंग, बारिश होने की कम संभावना हो, तो माइट का यूज। परमिशन के लिए माइट आई यूज योर फोन, परमिशन के लिए, लेकिन यहां पर माइट में हेजिटेशन आपकी थोड़ी ज्यादा होती है। फॉर एग्जाम्पल, माइट आई यूज योर पेन in this way. So that's enough for the day. Please like, share and subscribe. Next video में मैं आपको use of must, ought to, used to, dare और need के बारे में सिखाऊंगा। Till then, bye bye.